हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 का जो पेपर है इंग्लिश का, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी, जितना आपको आए उतना करें, लेकिन एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जो ऑप्शन सही है वो आप लिख दें। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। इसके अंदर पहला है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। आपको बताना है अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी, भोपाल की, ग्वालियर की, इंदौर की या जबलपुर की। दूसरा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन। आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कौन से ईयर में मिला था। थर्ड है, नरेंद्र वाज लेटर नॉन एज। तो नरेंद्र किसका नाम था आपको बताना है, स्वामी दयानंद का था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था, स्वामी विवेकानंद का था या स्वामी रामतीर्थ का था। तो यह किसका नाम था, स्वामी विवेकानंद का। फोर है, द सीड रोज टू सी द खाली जगह वर्ल्ड। तो आपके ऑप्शन है, लार्ज अननोन वंडरफुल यूजलेस। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं करेक्ट वर्ड चूज करके। ब्रैकेट के अंदर आपको 2 वर्ड मिलेंगे। तो इसके अंदर पहला है, देयर आर खाली जगह डेज इन ए वीक। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 होते हैं, 7 पर्टिकुलर 7 भरे हैं इसमें। सेकंड है, वी सेलिब्रेट खाली जगह ऑन कार्तिक अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। नेक्स्ट है, वन हु टीचर इज ए, जो हमें पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, टीचर। नेक्स्ट है, द खाली जगह इज ए सिंगिंग बर्ड। तो सिंगिंग बर्ड कौन सी है, कोकू या पिकॉक, आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम से मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको किन्हीं 3 वर्ड के प्लूरल बताना है, यानी कि आपको बहुवचन करना है। पहला है गर्ल, तो गर्ल का क्या होगा, गर्ल्स, लास्ट में एस लगाना है, इसके अंदर लास्ट में एस लगाएंगे। दूसरा है बेबी, तो इसमें क्या करेंगे, बेबीज। थर्ड है लीफ, तो लीफ में क्या करेंगे आप, एफ़ को हटाएंगे और लिखेंगे वी ई एस, एफ हटाना है और वी ई एस लगाना है। तीसरा है बेंच, तो बेंच के लास्ट में क्या आएगा, ई एस आएगा। तो फर्स्ट में आएगा एस, दूसरे में आएगा आई ई एस, वाई को हटा के वाई हटाना है, आई ई एस लगाना है। थर्ड में एफ हटाना है, वी ई एस लगाना है। और फोर्थ बेंच, बेंच में आपको लास्ट में ई एस लगाना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपोजिट जेंडर करने हैं किन्हीं 3 के। पहला है सन, सन का क्या होगा, डॉटर, सन का होगा डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई आर। दूसरा है मैन, तो मैन का क्या होगा, अपोजिट वूमन, आपको जेंडर चेंज करने हैं। तो तीसरा है आंट, तो आंट का क्या होगा, अंकल। और फोर है प्रिंस, तो प्रिंस का क्या होगा, प्रिंसेस, प्रिंसेस। ये स्पेलिंग है इनकी चारों की, लिख लीजिएगा। आपसे 3 पूछे हैं, तीनों चारों के आंसर बता दिए, 3 कोई भी 3 कर सकते हैं आप। थर्ड है, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। फर्स्ट है, अक्षय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इस फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ ए। अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट, इसमें ये बी के अंदर आएगा। और थर्ड है, द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, ये सी के अंदर आएगा। तो ए बी सी उल्टा बढ़ना है आपको, फर्स्ट में इंटेलिजेंट, सेकंड में गुड और थर्ड में वाइल्ड। चौथा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है, द शिप सेल्स ऑन द सी। सेकंड है,
द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock. थर्ड है आई लिव इन इंदौर. फिफ्थ है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. सीमा गेव गीता ए बुक. आपको इसको अरेंज करना है तो क्या आएगा, गीता गीता सीमा, कोई सा भी आप नाम पहले ले सकते हैं. गीता गेव ए बुक टू सीमा. फोर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू और थ्री सेंटेंसेस ईच, एनी थ्री. फर्स्ट है व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन. सेकंड है व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ माहेश्वर. थर्ड है व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फोर्थ है वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वैन. बी ए इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू और थ्री सेंटेंसेज ईच, एनी टू. फर्स्ट है व्हाई शुड वी थिंक थैंकफुल टू गॉड. सेकंड है व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ. थर्ड है विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग. क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. और के अंदर क्वेश्चन है आपका राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विजय इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज. ये है एक साथ पढ़ना है इसको, तो इनवाइट हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज. सेकंड है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. आपके टॉपिक हैं माय फ्रेंड, ए पैट एनिमल, ए ग्रेट मैन और फोर्थ है एनी फेस्टिवल. थर्ड नंबर है जिसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को ढंग से पढ़ना है. सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे, इसलिए इसको ढंग से पढ़ें. यह आपका पैसेज है, पूरा पैसेज देख लीजिए आप. इसको हम नहीं करवाएंगे, इसको आप करेंगे. और अगर आपको नहीं आते तो कमेंट्स में बताएं, यह आपका होमवर्क रहेगा. और इसके क्वेश्चन देख लीजिए और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं. अगर नहीं आता है तो भी बताने हैं, अगर नहीं आएंगे तो हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवाएंगे. तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को देख लें, याद कर लें, रट लें. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके. और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उसे भी फॉलो करके रखें जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी नई अपडेट न्यूज़ वगैरह आपको टाइम से मिल सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.